नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल आप सभी लोगों को पढ़ाया था, अपलोड कर दिया था, जिसमें छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तक हमने आपको बता दिया था। कुछ पार्ट छूटा हुआ था जो तरक्की पसंद तहरीक का दूसरा पार्ट है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ उर्दू विषय के साथ तरक्की पसंद तहरीक का दूसरा पार्ट। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का छठवां जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस था वो कल हमने पढ़ा दिया था, आज सातवां। देखिए तो सातवीं कुल हिंद तहरीक, देखिए तरक्की पसंद तहरीक की, जिसमें पहला पॉइंट है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सातवीं कुल हिंद तहरीक या सातवीं कुल हिंद का कॉन्फ्रेंस जो है मार्च 1952, ये सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है। छठवीं तक कल हमने बता दी थी, छठवीं कहाँ हुई थी, भिमंडी। आप लोग देख लीजिए, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सभी भाई बहनों से, सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि जाकर और पढ़ लें और नोट्स बना लें। तो ये पॉइंट मैं फिर से पढ़ता हूँ कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 ईस्वी में तीसरी चूँकि दिल्ली में हुई थी, पांचवी लखनऊ में हुई थी और पहली लखनऊ में हुई थी और तीसरी दिल्ली में हुई थी और सातवीं दिल्ली में हुई थी, यानी तीसरी और सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से हम ये लाइन पढ़ना चाहते हैं कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 ईस्वी में तीसरी की तरह दिल्ली में हुई थी, यानी तीसरी और सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। इसी में अगला पॉइंट है सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में नए मंशूर पर नज़रसानी की गई, कुछ नए मंशूर पर नज़रसानी की गई, ध्यान दिया गया। अब क्या है, देखिए सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, कृष्णचंद्र ने की थी। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट हम फिर से पढ़ रहे हैं कि सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत कृष्णचंद्र ने की थी, तो ये सातवीं थी। इसी के साथ आठवीं है कि आठवीं या आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के साथ 1956 में ख़त्म कर दिया गया था तरक्की पसंद तहरीक को, आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने बताया था। तो आठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस यानी कि आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की आठवीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1956। सातवीं कब हुई थी, मार्च 1952, और आठवीं मई 1956 ईस्वी में चौथी कॉन्फ्रेंस की तरह हैदराबाद में। यानी कि आपको याद हो गया होगा कि पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी और तीसरी अभी हमने बताया कहाँ, दिल्ली में, और पांचवी भी दिल्ली में, सॉरी पांचवी नहीं सातवीं, तीसरी और सातवीं दिल्ली में हुई थी और आखिरी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है वो हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की आठवीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1956 में चौथी कॉन्फ्रेंस की तरह हैदराबाद में हुई थी। चौथी भी हैदराबाद में हुई थी और आठवीं भी, यानी कि 4 × 2 = 8 होता है, तो चौथी भी जो है हैदराबाद में और आठवीं भी हैदराबाद में, और इसके पहले हमने सातवीं बताई थी। सातवीं कहाँ बताई थी, सातवीं दिल्ली में और तीसरी भी दिल्ली में, साथ में लिखा हुआ है। तो ये जो है हम आपके टेलीग्राम चैनल जो यूपी उर्दू जीएस सेंटर है वहाँ पे हम भेज देंगे, यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे। तो अगला पॉइंट है कि तरक्की पसंद अदबी तहरीरों के सबसे बड़े मुअत्तरी और नुक्ताचीनी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, देखिए नाम इनका, देखिए प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, इनके नाम के पहले लिखा हुआ है कि
तरक्की पसंद अदबी तहरीरों के सबसे बड़े मुआतरिज़ और नुक्ताचीनी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी एक तवील मजमून लिखकर तरक्की पसंद अदब पर सख्त नुक्ताचीनी की थी, जो रिसाला आफ्ताब अलीगढ़ के खास नंबर में शाया हुआ था। तो एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा नहीं है साथियों, थोड़ा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। तो अगला पॉइंट है, याद रहे कि जाफ़र अली खान असर और रशीद अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद हसन अश्करी और कलीमुद्दीन अहमद और हलक़े अरबाब ज़ोक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अदबा व शोरा तरक्की पसंद अदब के सख्त मुखालिफ रहे हैं। तो जो भी शोरा थे जो तरक्की पसंद तहरीक के मुखालिफत में थे, उनका जो मेन थे उनका तो नाम लिख दिया गया है, जैसे जाफ़र अली खान असर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन अश्करी, कलीमुद्दीन अहमद और हलक़े अरबाब जोक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो भी शोरा थे वो सब तरक्की पसंद तहरीक के मुखालिफत में थे। अब ताल्लुक़ कौन कौन रखते थे उनके बारे में बताया गया है कि तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा कौन कौन से थे, इनको देख लीजिए, लिस्ट लंबी है, नाम बहुत है, तो देखते हैं। इसरारुल हक मिजाज पहले थे, मखदूम मुहिउद्दीन, मोइन हसन जज़्बी, अली सरदार जाफरी, ये सब वो शोरा हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। इसरारुल हक मिजाज, मखदूम मुहिउद्दीन, मोइन हसन जज़्बी, अली सरदार जाफरी, अली जवाद जैदी, सलाम मछली शहर, मसूद अख्तर जमाल, अख्तर अंसारी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, अख्तरुल ईमान, अहमद नदीम कासमी, शाद आरफी, परवेज़ शाहिदी, मुनीबुर रहमान, अजीज़ हामिद मदनी, जहीर काश्मीरी, कतील सफाई, इब्न इंशा, तेग इलाहाबादी, नरेश कुमार साद, अशार मलिहाबादी, मसूद हुसैन, राही मासूम रज़ा, बाकिर मेहंदी और हुस्न नईम। तो ये चूँकि लिस्ट लंबी है, ये वो शोरा हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। और भी हैं, आगे चलते हैं दूसरे पेज पे बलराज कोमल, शहाब जाफरी, मजहर इमाम, अख्तर पयामी, मंजर शहाब, काजी सलीम, वहीद अख्तर, अमेक हनफी, शाज तमकनत, अजीज़ कैसी, कमाल अहमद सिद्दीकी, मंजर सलीम, रफ़ात सरवश, शफीक फ़ातिमा शहरी, हिमायत अली शायर, ज़ुबेर रिजवी, जावेद कमाल, अनवर मुअज्जम। ये सब जितने भी शोरा थे ये सब जो है तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ये सब थे। अब आगे है तरक्की पसंद का जो नज़रिया था उसके हामिल जो अफसाना निगार थे वो देखिए, सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां, महमूदुल ज़फ़र, प्रेमचंद,
सहील अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी, हयातुल्ला अंसारी, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चुगताई, उपेंद्र नाथ अश्क, अख्तर और एनवी, अख्तर अंसारी, अहमद नदीम कासमी, देवेंद्र सत्यार्थी, बलवंत सिंह, अख्तर हुसैन रायपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, महेंद्र नाथ, हाजिरा मसरूर, खदीजा मस्तोर, सदीका बेगम, शकीला अख्तर, रजिया सज्जाद जहीर, सरला देवी, अनवर अजीम, काश्मीरी लाल जाकिर, देवेंद्र रासर, देवेंद्र असर, रामलाल, जिलानी बानो, अकबाल मोइन, कलाम हैदरी, मसीहुल हसन रिजवी, गयास अहमद गद्दी, सुतेश बत्रा। तो ये जो शोरा थे, ये जो अफसाना निगार थे, वो तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल अफसाना निगार थे। और ऊपर जो हमने बताया वो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा थे, और ये थे तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल अफसाना निगार। तो आगे चलते हैं, तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल नावल निगार जो भी थे, प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, कृष्ण चंद्र, इसमत चुगताई, अजीज़ अहमद, रामानंद सागर, हंसराज रहबर, सादत हसन मंटू, ये कौन थे? ये नावल नवीस यानी नावल निगार जो भी थे, तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात के हामिल थे। तो अगला है कि तरक्की पसंद ड्रामा निगार कौन कौन से थे। एक तो सज्जाद जहीर हो गए, कृष्णचंद्र हो गए, सादत हसन मंटू हो गए, बाकी अगले पेज पर नाम है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे नाम है साथियों, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ अश्क, मिर्ज़ा अदीब, इसमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, रेवती शरण शर्मा, ये हो गए। उसके बाद अगला है कि तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल तंजर व मिजाह निगार। इन सभी को हम आप जो है अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे हम भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। तो ये पॉइंट है कि तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल तंजर व मजाह निगार, कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद्र, इब्राहिम जलीस, फिक्र तोनसवी, अगले हैं। असल में साथियों रात ज़्यादा हो गई है, नींद आ रही है, इसलिए जो है थोड़ी आँख बंद हो जा रही है। तो अगला है कि तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल नाकदीन अदब। पहला है सज्जाद जहीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, आल अहमद सुरूर, डॉक्टर अब्दुल अलीम, अख्तर अंसारी, अजीज़ अहमद, मुमताज़ हुसैन, सरदार जाफरी, वक़ार अजीम। ये सब कौन थे? ये सब नाकदेन थे, मतलब नाकद थे। अगला है तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल हैं जो, वो देख लीजिए। तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, आल अहमद सुरूर ने कहा, ठीक। दूसरा है, जब सज्जाद जहीर के ऐलान नामा की नकल हिंदुस्तान को पहुंची, उस समय मुंशी प्रेमचंद, हसरत मोहानी, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर आबिद हुसैन, नियाज फतेहपुरी, जोश मलिहाबादी, काजी अब्दुल गफ्फार, अली अब्बास हुसैनी और फिराक गोरखपुरी बगैर किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए थे, ठीक है। किसने किया था, एक बार नाम फिर से देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद, हसरत मोहानी, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर आबिद हुसैन, नियाज फतेहपुरी, जोश मलिहाबादी, काजी अब्दुल गफ्फार, अली अब्बास हुसैनी
और फिराक गोरखपुरी बगैर किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए थे ये लोग। तो जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था साथियों तरक्की पसंद तहरीक का, वो हमने पार्ट वन में ही ख़त्म कर दिया था। थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था जो पार्ट टू में हमने आपको बताया। ये चीज़ें जो आज हमने आपको बताई हैं इस टाइम, ये अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पर भेज देंगे और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बता दूँ साथियों कि तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक जितने भी प्रश्न हैं या सवालात आए हैं, उन सभी सवालात को हम कल सुबह 8 और 9 के बीच में करवा देंगे। तरक्की पसंद तहरीक के जो भी इम्पॉर्टेंट अहम सवालात बनते हैं या किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन सवालात को हम कल सुबह 8 और 9 के बीच में करवा देंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना एक क्लास ख़त्म करता हूँ। नींद बहुत तेज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।